नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ दही की चटनी। दही की चटनी बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। दही 1 कप, भुनी मूंगफली 1/2 कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरा धनिया 1 चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 या स्वाद अनुसार, भुना जीरा 1 चम्मच, करी पत्ता 8 से 10, सरसों या राई 1/2 चम्मच, नींबू का रस 1 से 2 चम्मच, पुदीना 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, साबुत लाल मिर्च 1 से 2, चीनी 1 से 2 चम्मच, तेल 1 चम्मच, पानी आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले जार में मूंगफली, दही, अदरक इसको छील कर और काट कर डालेंगे। ऐसे ही हरी मिर्च को भी काट कर डालेंगे। अब इसमें हरा धनिया, पुदीना, नींबू का रस, चीनी, भुना जीरा डालेंगे और ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट के लिए पीस लेंगे मिक्सी को चलाते हुए। अब ढक्कन उतारेंगे और चटनी को 1 कटोरे में निकाल लेंगे। अब गैस जलाएंगे और कड़छल में 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें साबुत लाल मिर्च, राई, करी पत्ता डालेंगे और भून लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, चीनी, नींबू का रस डालकर 1 से 2 बार चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें सेंधा नमक या साधारण नमक कोई भी डाल सकते हैं। अब गैस को बंद करेंगे और तड़के को चटनी में डालकर मिलाएंगे। अब मूंगफलियों को सजाकर किसी भी व्यंजन के साथ परोस सकते हैं। यदि आप व्रत में खाना चाहते हैं तो आप इसमें सेंधा नमक का उपयोग करें, और यदि आप इसका सेवन बिना व्रत के करना चाहते हैं तो आप इसमें साधारण नमक डाल सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।